मैं हूं जिनू जोसेफ, मुख्य संपादक मॉडर्न प्लास्टिक्स ग्लोबल नेटवर्क एंड मॉडर्न बिजनेस ग्लोबल नेटवर्क। मॉडर्न बिजनेस टीवी और मॉडर्न प्लास्टिक्स टीवी, ये दोनों मॉडर्न बिजनेस नेटवर्क के साथ अंडर है। आज हमारे साथ है मिस्टर कॉम रग्मी, यहाँ पर प्रिंटिंग के बिजनेस करते हैं। पिछले तीन चार डेकेड के ऊपर से यहाँ पर प्रिंटिंग के बिजनेस करते हैं और ये यहाँ का एसोसिएशन की प्रेसिडेंट भी है। सर, आपकी प्रिंटिंग की शुरुआत और आपकी जर्नी, आप इतने सक्सेसफुल प्रिंटिंग बिजनेस करते हैं, वो कैसा आप कर पाया, कहाँ से स्टार्ट किया और आपके डेवलपमेंट क्या है, कैसा आप इतने सक्सेसफुल हो पाया, उसके बारे में हमको बताइएगा। मैं करीब 1984 साल से ये प्रिंटिंग की लाइन में काम कर रहा हूँ। भारत की दिल्ली में गुरु नानक प्रिंटिंग प्रेस, तिलक नगर में एक प्रेस था। मैं 1994 में उस प्रेस से काम सीखते हुए आज तक मैंने ये नेपाल में प्रिंटिंग के बिजनेस कर रहा हूँ। मैं करीब कंपोजिटर का हिसाब किताब से आज तक आने जगह में डिजिटलाइजेशन प्रेस के बारे में तक मैंने अपना कंपनी को सेटलमेंट करके आगे बढ़ा रहा हूँ। आप जब बिजनेस शुरू किया, वहाँ से एक आप बढ़ोतरी में बढ़ते गया, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा? ऐसे है, जब से काम शुरू किया नेपाल में, उस टाइम कंपोजिटर जो लेटर प्रेस की लाइन में काम होता था और यहाँ ऑफसेट प्रेस का आगे नहीं गया था। बस कंपोजिटर के हिसाब से लेटर ट्रेडल मशीन के हिसाब किताब से काम किया जाता था। ब्लॉक बना के ब्लॉक से फोर कलर पेंटिंग करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते थे। बहुत मुश्किल से हम लोग पेंटिंग लाइन का काम करते थे। उस टाइम टेक्नीशियन टेक्नोलॉजी नया जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो आता नहीं था, पुरानों की हिसाब किताब से काम करना पड़ता था। मुश्किल से जो जनशक्ति है, जो लेबर है, जो मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं, वो कुछ भी नहीं मिलता था। बहुत आदमियों को ट्रेनिंग करवा के मुश्किल से ये आगे बढ़ा के आज तक ये ऑफसेट पेंटिंग की जगह में हम लोग आगे हैं। अब अभी तो ऑफसेट से भी आगे जाकर डिजिटलाइजेशन हो गया है और ये प्रिंटिंग सेक्टर में डिजिटलाइजेशन हो गया है, इसलिए इसमें बहुत चुनौती के साथ में हम लोग आज तक यहाँ तक पहुँचे हैं। आपके पास कौन सा प्रिंटिंग मशीन है? अभी आपने चुनौती की बात किया, क्या क्या चुनौती आप लोग फेस करते हैं डिजिटल प्रिंटिंग में या डिजिटलाइजेशन होने के बाद, और कौन से मशीन्स आप यूज़ करते हैं, और ये मार्केट में नया कौन सा टेक्नोलॉजी आया, उसके बारे में कुछ आप बताएंगे? अभी तो हमारे पास मैं कालिका प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग प्राली नाम का एक कंपनी चलाता हूँ। उससे पहले मैं बहुमुखी छापाखाना, संतोष एंड अंजना सप्लायर्स नाम का दो कंपनियों का मैं डायरेक्टर हूँ और ये अभी कालिका प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग प्राली का मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। अभी मेरे पास 10-15 का मशीन से लेकर 102-2840 का हाइडलबर्ग फोर कलर मशीन अभी पड़ा हुआ है। अब ये मैंने नेपाल में ये मशीन 2000 मॉडल की मशीन हाइडलबर्ग का मशीन मैं चला रहा हूँ। तो मैंने पेंटिंग के काम में बुक वगैरह लेबल वगैरह ये सब काम करता हूँ। 1925 का मशीन भी है, 2030 का मशीन भी है, 10-15 का मशीन भी है, 15-20 का मशीन भी है, अब पोलार कटिंग मशीन है और फोल्डिंग मशीन, ग्लू बाइंडिंग मशीन, डाई कटिंग मशीन। मैं अभी ये इसको बिजनेस को, ये पेंटिंग का बिजनेस को थोड़ा डाइवर्स करके चेंज करके मोनोकार्टून बनाने की बिजनेस में आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये मोनोकार्टून बनाने के लिए मैंने ये पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए कुछ ही सामान डाई कटिंग मशीन मैंने रख चुका हूँ। अब मैंने यूवी और उसमें यूवी करके यूवी का भी आगे लगा के काम आगे बढ़ा रहा हूँ। तो इसमें काम करने के लिए बहुत मुश्किल है। अभी भी हमारा नेपाल ऐसा जगह है जहाँ यहाँ कच्चा पदार्थ रॉ मटेरियल नहीं मिलता है, सारे हम लोग भारतीय मार्केट में डिपेंडेंट होना पड़ता है। इसलिए कागज़ भी हम लोग लाते हैं, चाइना से लाते हैं, बांग्लादेश से लाते हैं, भारत से लाते हैं, हर जगह से हम लोग कहीं काम करना पड़ता है। नेपाल का पेपर मिल ने पूरा से पूरा कागज़ उत्पादन करके नहीं दे पाते हैं, अगर दे दिया तो भी क्वालिटी का पेपर यहाँ नेपाल में नहीं बनता है। इसलिए हम लोग काम करने में
प्रिंटिंग सेक्टर में हम लोग जाने समय में बहुत मुश्किल है, इसलिए नेपाल का इंडस्ट्री फंसाने से भी आगे जाने के लिए पूरा भारतीय मार्केट के भरोसा पड़ना पड़ता है। टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन सारे लोग हम लोग भारत से ले आकर काम करते हैं, इसलिए हम लोग को ये काम में बहुत चुनौती है। तो अगर ऐसे ही करते हुए भी फिर भी नेपाल में भी क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट लोगों ने सारे काम ऑनलाइन मार्फत करने शुरू कर दिए। अब तो बुक वगैरह भी, बुक का काम भी होता है तो भी ऑनलाइन में पढ़ाई होने शुरू कर रहा है, जिसके कारण से प्रिंटिंग का काम बहुत घटते जा रहा है। फिर भी हमारा मार्केट में, नेपाल का मार्केट में भारत का खुला सीमा है। भारत का खुला सीमा होने के बाद में क्या होता है कि वहाँ जो प्रिंटिंग होता है सामान यहाँ आता है तो भंसार छूट में आता है। हम लोग मटेरियल खरीद करते हैं उसको भंसार देते हैं, इसका वजह से हम लोग का यहाँ कॉस्टिंग ज़्यादा आता है। इसलिए ज़्यादा काम भारत में और दूसरी कंट्री में होकर आता है, जो प्रिंटर्स लोगों को बहुत मरका में, हम लोग बहुत समस्या में हैं। ये काम हम लोग गवर्नमेंट से भी लॉबिंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट को भी बोले हैं, लेकिन गवर्नमेंट वालों ने भी ये नहीं सुन पा रहे हैं। इसलिए हम लोग ये प्रिंटिंग के सेक्टर में काम बहुत कम हो रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ का बिजनेस लोग जो प्रिंटिंग सेक्टर में काम करते थे उन लोग भी थोड़ा बहुत पैकेजिंग के सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं। फिर ऐसे नहीं है कि यहाँ ज़्यादा कंज्यूमर भी नहीं मिलता है, नेपाल में यहाँ का पॉपुलेशन बहुत कम है, इसीलिए हम लोग को सारी तरफ से बहुत बड़ी चुनौती है, जो कि प्रिंटिंग व्यवसाय, प्रिंटिंग सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। आपको गवर्नमेंट से क्या निवेदन है, क्या आप गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं आने वाले दिनों में, और जो नेपाल की जो कंज्यूमर है उनके लिए आपको क्या मैसेज देना है, और ग्लोबल पैकेजिंग प्रिंटिंग इंडस्ट्री को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसे नेपाल में जो गवर्नमेंट है, नेपाल का गवर्नमेंट ये जो प्रिंटिंग सेक्टर का जो पॉलिसी लेवल में जो काम करवाना है ये नहीं कर पा रहे हैं। हम डिमांड कर रहे हैं, हम लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि नेपाल के सरकार ने कम से कम भी टेक्नीशियन उत्पादन करने के लिए, यहाँ का जो दक्ष जनशक्ति जो कामदार है उनको सिखाने के लिए एक इंस्टीट्यूट का, एक कॉलेज का आवश्यकता है। ये काम करवाने के लिए हम लोग गवर्नमेंट से बहुत मांगते हैं। और दूसरा तीसरा चीज़ क्या है कि नेपाल में भी बहुत प्रिंटर्स हैं, जो काम यहाँ हो सकता है वो काम बाहर ना भेजे, नेपाल में काम करवाए, बस यही काम चाहते हैं हम लोग नेपाल गवर्नमेंट से। और हम लोग के प्रिंटिंग का जो हिसाब किताब की बात है, जो प्रिंटिंग सेक्टर में हम लोग लगे हैं, तो जो ये जो ग्लोबलाइज जो प्रिंटिंग पैकेजिंग के विषय में ग्लोबलाइजेशन जो सेक्टर है, इसमें हम नेपाली लोग बहुत पीछे हैं। मेरे ख्याल में कम से कम 100 साल से हम लोग नेपाली लोग प्रिंटिंग सेक्टर में दूसरी जगह से देखते हुए हम लोग उतना पीछे हैं। मान लीजिए इंडिया में अभी जो प्रिंटिंग के सेक्टर का काम हो रहा है, जो प्रिंटिंग बिजनेस हो रहा है, पैकेजिंग प्रिंटिंग हो रहा है, ये काम में हम लोग 100 साल लगेगा वहाँ पर पहुँचने में नेपाली लोग। इसलिए इसके लिए जल्दी पहुँचने के लिए ये टेक्नीशियन, ये जो इक्विपमेंट, ये जो अवस्था है, जो इंटरनेट दुनिया की अवस्था है, इस जगह में पहुँचने के लिए नेपाल गवर्नमेंट ने जल्दी से जल्दी इसको जो इक्विपमेंट को काम करवाने के लिए, व्यवस्था करने के लिए यहाँ को जो प्रिंटर्स हैं उनको ट्रेनिंग वगैरह को व्यवस्था करके, ट्रेनिंग उन देकर उनको विदेश में जो जाते हैं ना लोग, उनको उन्हीं लोगों को यहाँ नेपाल में ही अंदर काम करवाने के लिए व्यवस्था करेंगे, जो तो अच्छा रहेगा, तो काम आगे बढ़ सकता है। आप लोगों ने सुन लिया, यहाँ पर आज भी टेक्नोलॉजी, ट्रेन्ड मैन पावर, अच्छे ट्रेनिंग की ज़रूरत है। मेरे निवेदन इंडिया की या भारत की इंस्टीट्यूट लोगों से होगा कि यहाँ पर कोई आप प्रिंटिंग की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करिएगा, और प्रिंटिंग मशीन मैन्युफैक्चरर्स, मटेरियल सप्लायर से ये रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग यहाँ पर सप्लाई या स्टॉक रखेगा तो लोगों को मदद हो जाएगा। मुझे ये उम्मीद है कि ये सब कुछ आगे हो सकता है। आपने सुना इनसे कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बहुत ज़रूरत है आने वाले दिनों में। ये आप भारत नेपाल के ऊपर फोकस करिएगा, उसे हमें आने वाले दिनों में बहुत इंडिया नेपाल की ट्रेड बिजनेस हो सकता है।
प्रिंटिंग इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल है वो एक्सपोर्ट करिएगा, उसकी ट्रेनिंग दीजिएगा लोगों को, उससे प्रिंटिंग सेक्टर नेपाल में जो है वो बढ़ सकता है। हमें सुनने के लिए धन्यवाद। मॉडर्न प्लास्टिक्स टीवी और मॉडर्न प्लास्टिक्स मॉडर्न बिजनेस टीवी की यूट्यूब आप फॉलो करिएगा और हमारे सोशल मीडिया लिंक्स फॉलो करिएगा। आपको लेटेस्ट अपडेट्स टेक्नोलॉजी सारे हम देंगे। धन्यवाद। सुनते रहिए, देखते रहिए मॉडर्न प्लास्टिक्स टीवी और मॉडर्न बिजनेस टीवी।